प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी ईवीएस की क्लास थर्ड के 17वें पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रूप बदलती मिट्टी। बच्चों, इससे पहले हमने 16 पाठों के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। शीला ने अपने गुरुजी को बताया कि बरसात के दिनों में हम गीली मिट्टी से थप थप कर घर बनाना खेलते हैं। मिट्टी से खिलौने भी बनाते हैं, पर वे टूट जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि अपने यहाँ रामू काका मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाते हैं। कल हम सब रामू काका के घर चलेंगे और मिट्टी से बर्तन व खिलौने बनाने की कला को विस्तार से समझेंगे। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखो बच्चों, आपने भी मिट्टी से खेलते होंगे। आप भी गुरुजी के साथ सभी बच्चे रामू काका के घर पहुंचते हैं। सभी बच्चे रामू काका को नमस्ते करते हैं। गुरुजी रामू काका से मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में पूछते हैं। रामू काका ने खुश होकर सभी बच्चों को अपने चाक के पास ही बैठा लिया और मिट्टी से बर्तन बनाने की पूरी विधि बतलाने लगे। रामू काका, सुनो बच्चों, हम बर्तन या खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लाते हैं, उसे छान कर कचरा आदि साफ करते। देखो बच्चों, ये छलनी से रामू काका मिट्टी को छान रहे हैं। फिर हम उसे अच्छी तरह से गूंदते हैं। दूसरे दिन अच्छी तरह गूंद कर बर्तन बनाने लायक तैयार कर लेते हैं। जैसे आप की मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा गूंदती है, ऐसे रामू काका मिट्टी को गूंदते। देखो रामू काका मिट्टी का गूंद रहे हैं। कमला बोलती है, काका अब मिट्टी तो तैयार हो गई, ये गोल गोल पहिया क्या काम आता है? तो रामू काका बोलते हैं, देखो बच्चों, ये गोल गोल पहिया है, इसे हम कहते हैं चाक। रामू काका कहते हैं, हाँ बेटी, मैंने इसीलिए आपको इसके पास बिठाया है। ये गोल गोल पहिया चाक कहलाता है। इस पर तैयार मिट्टी को रखकर चाक को घुमाते हैं, फिर अपने हाथों से मिट्टी को मनचाहा आकार देते हैं। तो फिर देखो, रामू काका ने कुछ मिट्टी के बर्तन बना के रखे। नेहा ने बोला, काका क्या यह बर्तन तैयार हो गया? रामू काका कहते हैं, बेटी अब इन बर्तनों को सुखाते हैं, फिर मजबूती के लिए इन्हें भट्टी में पकाते हैं। आकर्षक रंगों से सजाकर इन्हें बेचने के लिए तैयार करते हैं। निशा बोली, काका क्या खिलौनों को भी पकाया जाता है? रामू काका बोले, बेटी ज्यादातर खिलौनों को कई दिन तक सुखाकर उन पर रंग कर देते हैं। कई तरह के खिलौनों को पकाया भी जाता है। गुरुजी रामू काका को धन्यवाद देते हैं। वो सभी विद्यालय में आ जाते हैं। रामू काका मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिसे बेचकर वे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। आपके पड़ोस में रहने वाले लोग भी कुछ काम धंधा करते होंगे। नीचे काम धंधों के चित्र को ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, ये कोई अंकल है, ये साइकिल ठीक कर रहे हैं, ये कोई औषधि बेच रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, यहाँ पे सब्जियां बिक रही हैं, ये कहीं पे कोई कटिंग शेव वगैरह हो रही है, ये कोई अंकल कारपेंटर हैं जो लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि चित्र में जो दिया गया है, ये क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको गमले व मटके का चित्र दिया गया है। आपको इस गमले व मटके के अंदर अच्छा सा चित्र में रंग रूंग भरना है। जैसा भी आपको लगे आप वैसा रंग इसके अंदर भर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिजाइन बता दिया है, बना हुआ है, देखकर आप रंग भर लेना। अपने आसपास किसी एक व्यवसायी जैसे दर्जी, सुथार, लोहार से मिलकर उनके बारे में जानकारियां लें, जैसे कि वे क्या बनाते हैं और उनको कौन कौन सहयोग देता है, बनी हुई सामग्री को कहाँ बेचते हैं और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा?
सभी व्यक्तियों के अलग अलग कार्य होते हैं जिनके द्वारा वे समाज को अपनी सेवाएं देते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन चिकनी मिट्टी गूंथकर चाक पर बनाए जाते हैं। तो बच्चों अब ये कहानी है, देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।